हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आरसी एजुकेशन हब बागसू। चलिए बेटा, चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू करते हैं। और आज हमारा चैप्टर नंबर 2 में हम थर्ड किंगडम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, बिकॉज वी वर ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट 2 किंगडम्स। ओके, विटेकर्स क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो बिफोर दैट, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा इज ऑलरेडी फिनिश्ड। नाउ टुडे लेट मी डिस्कस अबाउट द किंगडम फंजाई। ओके, तो जनरल फीचर्स की हम बात करते हैं। दीज आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। देखिए बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया था, एज वी मूव फॉरवर्ड, जैसे स्टार्टिंग में हमारा क्या था, स्टार्टिंग में हमारे पास था मोनेरा, ठीक है, तो वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे। उसके बाद हमने बात की इसकी प्रोटिस्टा की, तो वो यूकैरियोट्स थे, ओके, बट यूनिसेलुलर थे। यहाँ पे हम बात करें कि फंजाई जो होती है मोस्टली मल्टी सेलुलर होती है, ठीक है, यूनिसेलुलर भी है लाइक इस, ठीक है, वन इज यूनिसेलुलर ऑल्सो, वट इज ईस्ट, अंडरस्टैंड। सो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट मोस्टली कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर विच आर कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल। यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स की प्रॉपर्टीज आपको पता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, दे हैविंग मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, ओके। हेटरोट्रॉफिक कैसे होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका कैसा होता है, हेटरोट्रॉफिक होता है। बिफोर दैट इफ वी वर डिस्कस्ड अबाउट द मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, तो वहाँ पे कुछ ऑटोट्रॉफ थे, सम आर हेटरोट्रॉफ्स। यहाँ पे क्या कैसा होता है, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ओके। और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, सम आर सेप्रोफिटिक और सेप्रोट्रॉफिक। व्हाट डू यू मीन बाय द सेप्रोफिटिक, द ऑर्गेनिजम्स व्हिच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, ओके बेटा। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो क्या है, कोई भी गली सड़ी चीजें पड़ी हैं तो उनको ये अपना भोजन बना लेते हैं। आपको पता है फंगस यानी फफूंदी कॉमन नेम है, और बारिश के दिनों में तो ये बहुत ज्यादा होती है। कोई ब्रेड है मॉइस्ट है तो उसपे आपने देखा होगा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या ग्रीन कलर का स्पॉट बन जाता है, दैट इज ड्यू टू द फंगस। तो ये क्या होता है, ये अपना फूड जो है वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से ऑब्टेन करते हैं, ओके। इनकी एक खास बात आपको ध्यान रखनी है कि ये अपने फूड को डाइजेशन जो है वो बाहर ही कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये फूड है तो सबसे पहले ये अपना सलाइवा या कुछ डाइजेस्टिव जूसेस इसके ऊपर डाल देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, ये फूड डाइजेस्ट हो जाएगा, ये किस फॉर्म में आ जाएगा, सोल्यूशन फॉर्म में, अंडरस्टैंड बेटा। अब ये सोल्यूशन फॉर्म को क्या कर लेंगे, सक कर लेंगे या इनटेक कर लेंगे। तो आपको याद रखना है हाइड्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे पहले है समर सेप्रोफिटिक, जैसे आपने सुना हुआ ब्रेड मोल्ड इज एन एग्जांपल ऑफ सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ब्रेड मोल्ड क्या करता है, वही अपना जो भी डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो बाहर फूड के ऊपर डालते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, देन दे हैव टू बी इनटेक इट। दूसरा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, पैरासाइट कैसे है या पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे है, पैरासाइट तो खुद है बेटा, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे है कि वो अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं, ठीक है, अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं, डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं, ओके, जैसे पक्षीनिया वगैरह जो डिजीज कोज करते हैं वीट में, वीट रस्ट कोज करते हैं, तो ये क्या हो गया, एक तरह से पैरासाइट हो गए। नेक्स्ट इज सिम्बायोन्स, ओके, सिम्बायोन्स। देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि हर चीज़ हार्मफुल होती है, सम आर हेल्पफुल ऑल्सो, ठीक है, तो ये बहुत अच्छे सिम्बायोन्स है। सिम्बायोन्स के क्या मतलब है, व्हेन टू और मोर ऑर्गेनिजम्स लिविंग टुगेदर और दे बेनिफिट ईच अदर, दे आर शेयरिंग शेल्टर न्यूट्रिशन एंड एक्स्ट्रा, दैट इज नोन एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो ये कैसे है, सिम्बायोन्स है कैसे है? सबसे पहले हम बात करते हैं लाइकेन्स की, ओके। तो लाइकेन क्या है, लाइकेन एक सिंगल प्लांट नहीं है, इवन इट इज ए कोरिलेशनशिप बिटवीन द फंजाई एंड एल्गी, ओके। लाइकेंस क्या होते हैं, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं हम, एक मिनट, लाइकेंस। तो बेटे लाइकेन क्या है, एल्गी और फंजाई इनकी रिलेशनशिप है। जनरली होता क्या है, जो एल्गल पार्ट है दैट इज अबव द ग्राउंड, और बिलो द ग्राउंड इनके हाइफाज होते हैं, ठीक है, इसके हाइफा होते हैं फंगल हाइफा होते हैं। तो
इनका मेन फंक्शन क्या होता है, इनकी जो एसोसिएशन से प्लांट होता है इसको हम लाइकेन कहते हैं. दिस वन इज एल्गल पार्ट, ओके, एंड दिस वन इज फंगल पार्ट. इसको बोलते हैं माइकोबायोंट, सॉरी इट्स फाइकोबायोंट एंड इट इज नोन एज माइकोबायोंट. देखिए इनका मेन फंक्शन क्या होता है बेटा, आपको पता है जो एल्गी है दैट इज ग्रीन इन कलर, इट हैविंग द क्लोरोफिल, बट क्लोरोफिल तो है और आपको पता है क्लोरोफिल के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है. वो रॉ मटेरियल्स क्या क्या होते हैं, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफियर एंड सनलाइट. तो एल्गी क्या कर सकती है, इट कैन टेक ओनली द कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट बिकॉज इट हैविंग द क्लोरोफिल, बट ये नीचे से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती. तो फंगल हाइफा क्या करते हैं, दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, ओके, they absorb water and minerals, okay? और in return ये क्या करता है, food की formation करता है. जो food इसको मिलता है, algal part जो food बनाती है वो food ये fungal part को transfer कर देते हैं. तो इस तरह से क्या है, एक shelter और साथ में इनको nutrients की sharing हो रही है, that's why they are known as symbionts, okay? I hope आपको समझ में आ गया होगा. लाइकेंस क्या होते हैं, लाइकेन काफी इंपॉर्टेंट है बेटा. जो भी देखिए आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप की डाइट जो आप पढ़ते हैं, लिटमस डाई आप पढ़ते हैं जो कि पर्पल कलर की होती है, वो लाइकेन से ही एक्सट्रैक्ट की जाती है. इज दैट क्लियर? तो आप ध्यान रखेंगे सिम्बायंट में तो लाइकेन है, लाइकेन टू पार्ट से मिलकर बना हुआ, एक एल्गी और अनदर फंजाई. एल्गल पार्ट को क्या बोलते हैं, फाइकोबायोंट. फंगल पार्ट को क्या बोलते हैं, माइकोबायोंट. काम आपको पता ही लग गया है, माइकोबायोंट तो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, और ये क्या करेगी, फूड फॉर्मेशन या फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ओके. सेकंड देखिए बेटा माइकोराइजा. माइकोराइजा क्या होता है, जब फंजाई कुछ हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ एसोसिएशन करती है तो दैट इज नोन एज माइकोराइजा. देखिए माइकोराइजा क्या होता है, वन मिनट, कुछ प्लांट्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द पाइनस, ओके बेटा, हम पाइनस की बात कर रहे हैं, साइकस पाइनस, जिम्नोस्पर्म्स होते हैं. तो इसमें क्या होता है, जो रूट्स होती हैं इनका सरफेस एरिया बहुत कम होता है, सो दे आर नॉट एबल टू एब्जॉर्ब लॉट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल. इनके साथ क्या करती है, फंगल हाइफा कंबाइन हो जाती है, ठीक है. और ये क्या करते हैं, दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, ओके, ये फंजाई है. और जब ये हायर प्लांट्स हैं, ये हायर प्लांट्स हैं भाई, एल्गी तो क्या है, लोअर कैटेगरी में आती है ना, ठीक है. एल्गी तो प्लांट्स, हम नेक्स्ट चैप्टर में जब डिस्कस करेंगे अबाउट द प्लांटिया किंगडम तो आपको पता लगेगा एल्गी तो एक बहुत स्टार्टिंग बहुत प्रिमिटिव वाला फीचर है. उसके बाद जैसे जैसे हम मूवमेंट करेंगे, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, स्टेरिडोफाइट्स, देन जिम्नोस्पर्म. तो जिम्नोस्पर्म को हम हायर प्लांट्स में काउंट करते हैं. और इनमें क्या होता है, जब फंगस एसोसिएशन करती है विद हायर प्लांट्स, ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, माइकोराइजा रिलेशनशिप. काम इसमें भी वही होता है, सिम्बायोंट्स हैं, ओके, इज इट क्लियर बेटा, सिम्बायोंट्स हैं. तो ये आपको पता लग गया तीन इसकी टाइप्स हैं, अंडरस्टैंड. माइकोराइजा में आपको याद करना है फंगल एसोसिएशन विद हायर प्लांट्स या रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, ठीक है. और इसमें एक एग्जाम्पल आप पाइनस का याद रखेंगे, ठीक है बेटा, एक एग्जाम्पल आप किसका याद रखेंगे, इसमें पाइनस का. इज दैट क्लियर? तो ये तो था इसका मॉड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक है, पैरासिटिक है, सिम्बायोस. अब बात आ जाती है इसके स्ट्रक्चर, फंजाई का स्ट्रक्चर कैसा होता है. तो देखिए फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे फिलामेंट्स होते हैं, लॉन्ग, सिलेंडर, थिन, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स. एक जो सिंगल स्ट्रक्चर है अभी मैंने आपको बताया, दैट इज नोन एज हाइफा, ठीक है. इसको क्या कहते हैं, हाइफा, ओके बेटा, सिंगल स्ट्रक्चर. और क्या होता है, जो भी ग्रुप ऑफ ये नेटवर्क ऑफ हाइफा जो होता है, फॉर एग्जाम्पल ओके, ये जो नेटवर्क ऑफ हाइफा है दैट इज नोन एज
माइसीलियम। आई होप आपको स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिलामेंटस यानी लॉन्ग सिलेंडर थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर वो सिंगल है दैट इज नोन एज हाइफा, और अगर नेटवर्क ऑफ हाइफा है देन दैट इज नोन एज माइसीलियम। ओके, अब देखिए माइसीलियम जो है वो टू टाइप्स के होते हैं। माइसीलियम आर ऑफ टू टाइप्स। ओके, मैंने आपको बताया टू टाइप्स के माइसीलियम होते हैं। वन इज सिनोसिटिक, देखिए हम देखते हैं कोइनोसाइटिक भी बोलते हैं समर एंड समर सिनोसिटिक। ऊतक है अगर ये हाइफा कंटिन्यूस है, ठीक है बेटा इस तरह से, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है मैं दोनों बना देती हूँ ताकि आपको डिफरेंस यहीं पे बता दूँ। ठीक है, अंडरस्टैंड। एक ये है, इसमें क्या है बीच में वॉल फॉर्मेशन हो जाता है जिनको हम बोलते हैं सेप्टा। ठीक है बेटा, अगर इस तरह से इनकी वॉल फॉर्मेशन है यानी इनके बीच में अगर बाउंड्रीज फॉर्मेशन हो जाते हैं तो हम इसको बोलते हैं सेप्टेट। कैसा बोलते हैं? सेप्टेट हाइफा, सेप्टेट माइसीलियम। और अगर ये कंटिन्यूअस है विदाउट एनी सेप्टा, ठीक है कंटिन्यूअस है विद मल्टी न्यूक्लियस, तो इसको हम कहते हैं सिनोसिटिक हाइफा। इज दैट क्लियर? आई होप स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलामेंटस यानी लॉन्ग सिलेंडर थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम हाइफा बोलते हैं सिंगल है तो। नेटवर्क माइसीलियम को क्या बोलते हैं? इट इज नेटवर्क ऑफ हाइफा। ओके बेटा, नेटवर्क ऑफ हाइफा। फिर जो माइसीलियम है टू टाइप्स के होते हैं, सिनोसिटिक और सेप्टेट। सेप्टेट यानी इफ दे हैविंग द बाउंड्रीज इन बिटवीन दैम देन दे सेप्टेट, एंड इफ दे आर कंटिन्यूअस विद मल्टी न्यूक्लियस देन दे इज नोन एज कोइनोसाइटिक। ओके, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉल आप याद रखेंगे जो फंजाई की सेल वॉल होती है दैट इज कंसिस्ट ऑफ पॉलीसेकेराइड्स एंड काइटिन। ओके, पॉलीसेकेराइड एंड काइटिन। इज दैट क्लियर? आई होप यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। ओके, चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं अबाउट द नेक्स्ट दैट इज रिप्रोडक्शन। तो मैं एक बार इसको सबको इरेज कर देती हूँ यहाँ से ताकि आपको रिप्रोडक्शन वाला पॉइंट क्लियरली समझा सकूं। तो देखिए रिप्रोडक्शन वाला पॉइंट हम इससे पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन इसमें टू टाइप का होता है। वन इज एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर्स, ओके, या कुछ अलग टाइप के स्पोर्स से भी हो सकता है। और ये स्पोर्स किसके अंदर डेवलप होते हैं? कुछ फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर डेवलप होते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, फॉर एग्जांपल ये एक फ्रूटिंग बॉडीज और इसके अंदर बहुत सारे जू स्पोर्स। अंडरस्टैंड बेटा, ये एसेक्सुअल। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आप याद रखेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जू स्पोर्स, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स से होता है। ओके, अब देखिए समझने वाली बात है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन मेन जो है मेन इसकी साइकिल की अगर हम बात करें तो तीन मेन स्टेप्स है। वन इज प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी का मतलब है फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। एग्जैक्टली, फॉर एग्जांपल देखिए मैं जनरली बना देती हूँ, वैसे तो इस टाइप का हाइफा होता है फंजाई का। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, इनका जो साइटोप्लाज्म है दैट इज गेटिंग फ्यूज्ड। अंडरस्टैंड? साइटोप्लाज्म जो फ्यूज होता है दैट इज नोन एज प्लाज्मोगैमी। ओके, फॉर एग्जांपल ये मैं जनरली बना देती हूँ, फॉर एग्जांपल ये दो सेल है और इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूक्लियस अभी फ्यूज हुए नहीं है। इसके बाद जो सेकेंड स्टेप है दैट इज कैरियोगैमी। कैरियोगैमी मीन्स द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, यानी सेकेंड स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा। इज दैट क्लियर? एंड आफ्टर कैरियोगैमी द लास्ट वन इज मियोसिस, यानी जब न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो इसमें प्रोसेस होता है मियोसिस का। ओके, और मियोसिस का जो प्रोसेस होगा तो उससे क्या होगा, हैप्लोइड स्पोर्स बनेंगे। हैप्लोइड स्पोर्स, और जनरली ये स्पोर्स कौन से होते हैं? जाइगोस्पोर्स। इज दैट क्लियर बेटा? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको याद रखना है होता किससे, ओस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, दे आर आल्सो जर्मिनेटेड और ग्रोइंग इनसाइड द फ्रूटिंग बॉडीज। ओके, और इसमें मेन थ्री स्टेप्स होते हैं। वन इज प्लाज्मोगैमी, अनदर इज कैरियोगैमी, एंड लास्ट वन इज मियोसिस।
प्लाज्मोगैमी इज द फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, कैरियोगैमी इज द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, ओके, एंड मियोसिस यू नो इट इज द रिडक्शनल डिवीजन, तो इससे क्या होगा, जब ये डिवीजन होगा तो हैप्लोइड स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी, इज इट क्लियर? आपको ध्यान रखना है बेटा, कुछ फंजाई में क्या होता है, एक इंटरवीनिंग स्टेज भी होती है, एक इंटरमीडिएट स्टेज भी होती है बिटवीन द प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी। प्लाज्मोगैमी के जस्ट बाद कैरियोगैमी ना हो के कुछ टाइम के बाद कैरियोगैमी होता है, तो उस टाइम क्या होता है, साइटोप्लाज्म के फ्यूजन के बाद आपको पता है जब न्यूक्लियस कंबाइंड होते हैं तो हम बोलते हैं 2N, लेकिन 2N होने से पहले N प्लस 1 एक स्टेज आती है, N प्लस N, ठीक है, यानी पूरी तरह से ये फ्यूज नहीं होते, इस स्टेज को हम कहते हैं डाइकैरियोन्स या डाइकैरियोटिक फेज, ओके। सो दिस इज ऑल ओवर अबाउट द फंजाई, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 4 टाइप्स के बारे में बात करेंगे, सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग, हैव ए गुड डे।